इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के बालू मंडी के पास जिले के इलेक्ट्रॉनिक चैनल के पत्रकार देवेंद्र खरे को मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने हमला कर गोलियों से घायल कर दिया। सूचना मिलते ही तत्काल देवेंद्र को जिला अस्पताल ले गया, जहां वह खतरे से बाहर है। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। वहीं देवेंद्र कुमार खरे ने बताया कि खबरों को लेकर उन पर यह हमला किसी माफिया के इशारे पर हुआ है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार की रात्रि शाम 6:30 बजे देवेंद्र अपने कार्यालय से बाहर अपने मित्र के साथ बैठे थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाश आए और असलहे से फायरिंग शुरू कर दी। देवेंद्र खरे ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। अपराधियों द्वारा चलाई गई गोलियां उनके मोबाइल को तोड़ते हुए हाथ में लगे, जिससे वह घायल हो गए। आसपास के लोगों ने बदमाशों को दौड़ाया तो वह मड़ियाहू की तरफ से भाग गए। इस बारे में देवेंद्र कुमार खरे का कहना है कि इस घटना के पीछे खबरों को लेकर कुछ लोग नाराज थे। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। इंडियन टीवी न्यूज से जौनपुर से ब्यूरो चीफ शादा अंसारी की ब्यूरो रिपोर्ट। ये अभी कुछ समय पहले ये सूचना प्राप्त हुई थी कि देवेंद्र खरे जो हैं इनके ऊपर किसी के द्वारा हमला किया गया, जिसमें कि अभी फिलहाल इनको उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और बाकी हमारी टीमें जो हैं अभी मौका मुआयना किया गया मेरे द्वारा भी और हमारे एसपी सिटी सीओ सिटी द्वारा भी, और फिलहाल जो विक्टिम है उनसे भी बात की गई, बाकी टीमों को इसमें लगाया गया है, इसको जल्दी से जल्दी वर्कआउट किया गया, इन्होंने लिए जो साहस किया है उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। पूछताछ में कुछ बात सामने आई है सर? अभी जो विक्टिम हमसे बातचीत की गई है तो उसको ये प्रपोज था कि किसी प्रकार के कोई ऐसा क्लू जो मौके पे घटनाक्रम से हुआ हो, तो जो फिलहाल बातचीत की गई है और जानकारी जुटाई जा रही है, टीमों को लगाया गया है, इसको बहुत जल्दी वर्कआउट किया जाएगा। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।